पूजा वीरा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम फ्रॉम ऋषिकेश। ओ माय गॉड, मैं आज बहुत ही ऊटपटांग हरकतें करने वाली हूँ। आई एम गोइंग फॉर बंजी जंपिंग। ओ माय गॉड, इतना ज़्यादा इम्प्रॉम्प्टो डिसीजन था ना ये, इवन आई डोंट नो हाउ थिंग्स आर गोइंग टू गो, बट लेट्स सी, आई हैव लॉट ऑफ थिंग्स प्लान फॉर टुडे। सो यस, आज थोड़ा बहुत ऋषिकेश घूमते हैं एंड बहुत सारे एडवेंचर एक्टिविटीज़ करते हैं एंड डेफिनेटली आई एम गोइंग टू टेक यू गाइज अलॉन्ग। एज ऑफ नाउ बंजी जंपिंग करने के लिए वी आर गोइंग टू बी हेडिंग टू जंपिंग हाइट्स, जो कि यहाँ से आई डोंट नो कितना किलोमीटर है, बट समवेयर अराउंड 40 मिनट दिखा रहा है मुझे। सो आई हैव रेंटेड अ स्कूटी एंड हम स्कूटी करके जाने वाले हैं। ओह माय गॉड, बहुत ज़्यादा नर्वसनेस हो रहा है, क्या पता यार मैं मर गई तो क्या होगा। ओह माय गॉड, सच अ बिग डिसीजन ऑफ माई लाइफ, वो भी इतना एडवेंचरस। ओह माय गॉड, भगवान मुझे बचाए। एनीवेज, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, या तो मैं जिंदा बचूँगी या तो मैं मॉम के पास चली जाऊँगी, बोथ ऑफ दी ऑप्शंस आर सेफ फॉर मी। अभी टाइम है लाइफ जीने का, सो चलो जी लेते हैं। तो यहाँ मेरी सवारी निकल चुकी है टू जंपिंग हाइट्स एंड फ्रैंकली गाइस काफ़ी दूर था एंड यहाँ पे ना ऑटोज़ या बाकी कोई ट्रांसपोर्ट चलता नहीं है, सो मेक श्योर आप लोग स्कूटी रेंट कर लेना। एंड ओ माय गॉड, यहाँ का गंगा का पानी इतना ज़्यादा प्योर लग रहा था ना, बिल्कुल मिलावटी नहीं था, काफ़ी अच्छा लग रहा था। ओके, फाइनली वी हैव मैनेज टू रिच आर एंड डेस्टिनेशन एंड ओ माय गॉड, बहुत फट रही है मेरे अंदर से, बट वी विल बी डूइंग दैट। बाय द वे, आई बुक माई टिकट्स फ्रॉम jumpingheights.com। आई विल मेंशन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो फॉर यू गाइज। एंड यस, टिकट का फेयर 3700 था। टिकट तो ले ली, अभी अंदर जा रहे हैं हम लोग। अभी कोई ट्रेनिंग में नहीं होने वाला है क्या? ट्रेनिंग होने वाला है कोई? सो दिस इज़ हाउ द व्यू लुक्स लाइक एंड अभी पता नहीं आगे का प्लान क्या है, लेट्स सी। यार मुझे काफ़ी ज़्यादा भूख लगी है एंड हम लोगों को अभी कैफ़े के अंदर ही लिया है, सो कैफ़े के अंदर थोड़ा बहुत खाते हैं। आई एम एब्सोल्युटली, यार मेरा अलार्म, देखते हैं कैफे में क्या खाने को मिलता है। बहुत तेज़ भूख लगी है ना यार, बिना खाए तो मैं बंजी जंपिंग कर नहीं सकती। सामने यहाँ पे ना वीडियोस चल रही है जो लोग बंजी जंपिंग कर रहे हैं उसके रिलेटेड। यार वही देख के मेरी इतनी फट रही है। और एक बात, यहाँ पे बस दो अटेम्प्ट दिए जाते हैं, मतलब दो अटेम्प्ट में आपने अगर खुद ही मार ली तो इट्स फाइन, एल्स आपके सारे पैसे पानी में चले गए। बहुत नर्वस हो रही हूँ मैं। और यार यहाँ का सैंडविच भी इतना अच्छा नहीं है, बट यार थोड़ा पेट भरने के लिए खाना खाना पड़ेगा। डोंट नो क्या डाला है इसके अंदर, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। यो नहीं ना, मैं अच्छा हूँ। जस्ट नाउ मेरा नाम कॉल आउट हुआ है, मैं भागे भागे जा रही हूँ, अभी देखते हैं। आई होप मुझे व्लॉग करना अलाउड हो अंदर। कहाँ पे बुलाया?
हम सब इकट्ठे एक रूम में पहुंच गए जहां पे बहुत ही मोटिवेशनल वीडियो प्ले किया गया बंजी जंपिंग के रिलेटेड, एंड प्रॉपर डूज एंड डोंट्स बताए, कैसे सेफ्टी प्रिकॉशंस वो लोग लेने वाले हैं, जंप कैसे आपको करना है, कितने फीट का हाइट होने वाला है और बाकी सारे क्राइटेरियाज बंजी जंपिंग के लिए जो होने वाले हैं, लाइक वेट क्राइटेरिया जो कि 40 केजीज से ज़्यादा होने चाहिए इफ़ यू आर ऑप्टिंग फॉर बंजी जंपिंग, सब चीज़ें बताई गई हैं। जस्ट नो आई गॉट इंस्ट्रक्शंस कि कैमरा एंड फ़ोन बिल्कुल कैरी नहीं कर सकते, सो या आई वोंट बी कैरिंग एनीथिंग, एंड ऑफ कोर्स मैं उन्हें डेफिनेटली बोलूँगी यार मेरी वीडियो बनाओ, लेट्स सी हाउ एवरीथिंग गोज, आई एम सो एक्साइटेड। ओह माय गॉड, मैंने जस्ट इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट किया इसी के बारे में। ओह माय गॉड, ब्रीद इन ब्रीद आउट, लेट्स सी हाउ एवरीथिंग गोज। तो अभी मैं जाने वाली हूँ एंड लेट्स सी मेरा टर्न कब आ रहा है। फिलहाल उन्होंने मुझे लॉकर दिया है, लॉकर के अंदर मेरा सारा सामान डालने बोला है, वी कांट कैरी एनीथिंग विद अस। ओके, सो अभी हम लोग लोकेशन पे जाने वाले हैं जहाँ से एक्चुअल बंजी जंपिंग होने वाला है। मुझे यहाँ से ऑलरेडी दिख रहा है, लेट मी शो इट टू यू गाइस, सी दैट यहाँ पे होने वाला है एक्चुअल बंजी जंपिंग। आई गेस कुछ 4-5 मिनट लगेंगे मुझे वहाँ पहुँचने के लिए। लेट्स गो। फाइनली इट्स माई टर्न। ठीक है, पहले मुझे जितना ज़्यादा डर लग रहा था ना बंजी जंपिंग करने से भी पहले, अभी वो डर मेरा ख़त्म हो चुका है लिटरली, बिकॉज मैंने बहुत सारे लोगों को एकदम फ्रीली जंप करते हुए देखा। मेरे टाइम पे ना लिटरली सब लोग जंप कर रहे थे एकदम हंस हंस के, सो उनसे मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड फील हुआ, मैं काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रही थी, विच इज़ वाई आई एम स्माइलिंग थ्रू आउट द वीडियो। ठीक है, बिल्कुल भी नर्वस नहीं थी, बिल्कुल भी स्ट्रेस्ड आउट नहीं थी, एंड अभी वो टाइम आ चुका है डू और डाई सिचुएशन, 1, 2 एंड बंजी, ये कॉल आउट करते ही हमें नीचे कूदना है एंड हियर वी गो। ज़्यादा मज़ा आया ना, मुझे बस कूदने के लिए बोला, मैं कूद पड़ी एंड कुछ सेकेंड्स में आई वॉज डाउन। ठीक है, द व्यू वॉज एपिक, मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया, एंड ऑल्सो काफ़ी लोगों को ये लगता रहेगा ना कि यार मतलब इतने गट्स कहाँ से आए मुझ में ये सब चीज़ें करने के लिए। सो मुझे हाइट फोबिया नहीं था बिकॉज आई यूजली लाइक टू गो टू ट्रैक्स, तो मुझे हाइट फोबिया तो डेफिनेटली नहीं था, बस मैंने क्या किया, आई वॉज लीन एंड फिर मैंने नीचे बिल्कुल नहीं देखा। सो दिस इज़ वन ऑफ द प्रो टिप आई वुड लाइक टू गिव टू यू गाइस, नीचे देखोगे तो फटेगी डेफिनेटली। मुझे तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया, मुझे बिल्कुल डर नहीं लगा एंड द एक्सपीरियंस वॉज एपिक। ऑल्सो बंजी जंपिंग होने के तुरंत बाद 15-20 मिनट्स आपको ट्रैक करके आना है ऑफिस के पास, एंड फिर यू गाइस को टेक योर कीज एंड लॉकर रूम में से आप आपका सामान निकाल सकते हो। एंड यार मैंने वीडियो क्लिप्स ऑफकोर्स निकालने बोली है, ऑफकोर्स आई वॉज नॉट अलाउड टू व्लॉग, बट ठीक है वीडियो क्लिप्स उन्होंने निकाले हैं, आई एम रियली एक्साइटेड टू वॉच ऑल द क्लिप्स ऑफ माइन। मैंने काफ़ी स्माइल करने की कोशिश की है, इट वॉज फन एंड फॉर द चार्जेस आई गेस 900 रुपीज़ है पर पर्सन, बट अगर आप दो एडवेंचर कर रहे हो तो शायद 1350 है, सो मेक अ नोट ऑफ दैट। एंड अभी प्लान यही है सामान वगैरह लेके क्लिप्स चेक कर लूँ, सो एक्साइटेड। सो या अभी फटाक से क्लिप्स देख लेते हैं एंड हम निकल पड़ने वाले हैं रिवर राफ्टिंग के लिए, सो आई विल सी यू गाइस सून।
गॉड आई एम ड्रेस्ड अप ऑल इंडियन एंड अभी मैं गंगा आरती के लिए निकल रही हूँ। यार दोपहर को मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा बहुत एनर्जी बचेगा रिवर राफ्टिंग के लिए, बट वैसा नहीं हो पाया। आई हैव वोर दिस वेरी ब्यूटीफुल वाइट कलर का कुर्ता विद दिस दुपट्टा जो कि मैंने अपनी बहन का चुराया है। सो या 6:30 को स्पेसिफिकली आरती स्टार्ट होने वाली है। आई होप आई मेक इट। आई गेस और 15 मिनट्स बचा है। आई डू हैव स्कूटी विथ मी, तो स्कूटी से हम जाएंगे एंड होपफुली वी विल रीच देयर ऑन टाइम एंड या आई विल कैच यू गाइस देयर। यार ऋषिकेश की बात ही अलग है। यहाँ आके जो सुकून आपको मिलता है ना, वो कहीं और नहीं है। एंड आई लव अटेंडिंग सच आरतीज और यू नो बस गंगा घाट में बैठना ना, ये मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। तो मैंने आई गेस 1 या 1.5 आवर यहीं पे बैठ के बिताए एंड जो सुकून मिला ना मेरे दिल को, क्या ही बताओ। डेफिनेटली ऋषिकेश आप विज़िट करना वंस इन योर लाइफ टाइम। या थोड़ा सा टाइम निकालो अपने बिजी लाइफ से एंड यहाँ आ जाओ एंड यू गाइज विल डेफिनेटली थैंक मी फॉर रिकमेंडिंग दिस। एंड गंगा आरती होने के बाद तुरंत ही मैं ना ऋषिकेश के मार्केट निकल गई जो कि गंगा आरती के आसपास वाला ही एरिया था। यहाँ पे मुझे बहुत सारे अच्छे अच्छे कलेक्शंस देखने को मिले, राइट फ्रॉम सनग्लासेस, एक्सेसरीज, कपड़े बोलो, ज्वेलरी बोलो, जो भी चीज़ें आप बोलो वो यहाँ पे आपको मिल जाएगी एकदम कम से कम रेट में। बस आपको बार्गेन करना पड़ेगा थोड़ा। सब लोग जाते रहेंगे याशिता कौन है एंड मैंने तो अपने चैनल पे इतने बार बरबट किया याशिता के बारे में। फाइनली आई मेट यू, चेक इट आउट। अरे वो बहुत 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 अच्छा लग रहा है। दो बार भी लग रहा है यहाँ पे ऋषिकेश में। आई एम सो ग्लैड, मुझे इतनी खुशी हो रही ना व्हेनेवर आई मीट माय सब्सक्राइबर्स एंड यू आर अ क्रिएटर सो अब तो मुझे माय डे इज मेड। फर्स्ट ऑफ ऑल लुक एट हर, शी इज लुकिंग सो प्रीटी, द परफेक्ट अटायर। याशिता ने बोल दिया ना, बस मेरा दिन बन गया है आज। इट वॉज टाइम टू एंड माई डे। यार डिनर कर लिया मैंने एक कैफ़े में विच इज़ कॉल्ड कर्मा कैफ़े एंड द फूड वॉज सो गुड एंड एस्थेटिक्स भी काफ़ी अच्छा लगा मुझे इस कैफ़े का। सो इन केस यू आर गोइंग टू विजिट ऋषिकेश, डेफिनेटली चेक आउट दिस कैफ़े। नेक्स्ट मॉर्निंग आई लेफ्ट फॉर रिवर राफ्टिंग। यार ऋषिकेश आया और रिवर राफ्टिंग नहीं किया, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। नाउ आई ऑप्टेड फॉर रिवर राफ्टिंग 16 किलोमीटर वाला एंड इट कॉस्टेड फॉर समवेयर अराउंड 900 पर पर्सन। एंड यार ऋषिकेश में रिवर राफ्टिंग करने का मज़ा ही अलग है। एंड मैं ऐसे सीज़न में आई थी जहाँ पे पानी का जो लेवल था ना मीडियम लेवल का था एंड काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। एज यू गाइज कुड सी एकदम क्लियर पानी है। एंड आई थिंक बेस्ट सीज़न टू डू रिवर राफ्टिंग इन ऋषिकेश वुड बी जून और जुलाई। तो ठीक है, मैं आपको सजेस्ट करूँगी जून जुलाई में आओ क्योंकि तब ना पानी का लेवल थोड़ा ज़्यादा रहेगा तो ना मज़ा भी उतना ज़्यादा आएगा। एंड इट वॉज क्वाइट फन यार, काफ़ी अच्छे तरीके से हमने ट्राई किया रिवर राफ्टिंग करने का। That is it for today. It's time to end the vlog. So next vlog mein milti hu aap logo se. Bye.